लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी 400 बार का नारा लगाते हुए कह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी आप उनको हरा नहीं पाएंगे। देखिए ये बौखला गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इनसिक्योर हो गए हैं। उनको पता है कि उनको वोट मिलने नहीं वाला है, उनकी सरकार नहीं बनने वाली, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। वो कुछ भी बयानबाजी करें, कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, कितना भी झगड़े लगाने का काम कर लें, अवाम उनको 10 साल चांस देख ली है, उनकी नाकामयाबियों के बारे में अवाम को पता है, उन्होंने जो वायदे किए थे उसके बारे में भी पता है। तो इस बार जो है अवाम गुमराह नहीं होगी, इंडिया गठबंधन को वोट देके जीत। सर, इंडिया गठबंधन से कितना असर पड़ सकता है? आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन से का ही असर है, पहले फेज और दूसरे फेज में हमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी पोलिंग हमारे पक्ष में हुई है। सर, जिस तरह से यहाँ पे जो एमपी कैंडिडेट हैं अलायंस बीजेपी जेडीएस अलायंस रेवन्ना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अमित शाह का उसके ऊपर बयान आया है कि जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ पे हुकूमत है, अब तक कांग्रेस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस ने एफआईआर कर दिया, एक्शन लिया, पुलिस एक्शन ले रही है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सबा इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा, स्टूडेंट्स गेटिंग बोथ इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन फ्रॉम वेल क्वालिफाइड टीचर्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड रिसीव केयर फ्रॉम डेडिकेटेड स्टाफ, एयर कंडीशनर, स्मार्ट क्लासेस, एडमिशन आर नाउ ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स।